अरविंद केजरीवाल के घर ईडी की टीम पहुंच गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनके घर ईडी की टीम पहुंच गई है। इस समय की बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट इसको मान सकते हैं। आज सुबह दोपहर ही हाई कोर्ट ने एक बोला है कि हम गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगा सकते। आज शाम इस समय अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत बड़ी खबर है। ईडी की टीम, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची है। शराब घोटाले का मामला है, के कविता ऑलरेडी अरेस्टेड है, उनके साथ चार्जशीट में, उनके साथ आरोप पत्र में उनका भी नाम आया, अरविंद केजरीवाल का भी नाम आया है। यानी कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है। मैं रुक करूंगा, ये ताजा तस्वीरें आ रही हैं, ये ताजा तस्वीरें हैं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर की तस्वीर है, वो आपको इस समय लाइव दिखा रहे हैं। पहला चैनल है जो वहां पर इस समय मौजूद है। व्यूअर्स, इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है, अरविंद केजरीवाल के घर पे इस समय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम पहुंच गई है। क्या अरविंद केजरीवाल आज गिरफ्तार हो जाएंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पे ईडी की टीम पहुंची है, नोटिस देने पहुंची है या कुछ और करने के लिए पहुंची है, इस समय जानकारी नहीं है, लेकिन यह बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट है। ईडी केजरीवाल के घर पहुंच गई है, इससे बड़ी खबर इस समय नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल दिल्ली सूबे के मुख्यमंत्री, दो दो राज्यों में सरकार है आम आदमी पार्टी की, उसके मुखिया, उनके घर इस समय ईडी की टीम पहुंची है। और ईडी की टीम पहुंचना महत्वपूर्ण इसलिए ज्यादा है क्योंकि आज दोपहर हाईकोर्ट ने उनकी अरेस्ट को स्टे करने से इंकार कर दिया है। यह अपने आप में है, शराब घोटाले का मामला है पूरा, लिकर स्कैम है यह पूरा, इससे बड़ी खबर इस समय नहीं हो सकती। अरविंद केजरीवाल पर यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बहुत बड़ी खबर है। मैं पहला रिएक्शन लेता हूं विवेक श्रीवास्तव से, ऑपोजिशन से है, इंडिया अलायंस के, लेकिन प्रियंका कक्कड़ भी मेरे साथ है आम आदमी पार्टी की। मैं प्रियंका जी का रुख करता हूं। प्रियंका जी, ईडी अरविंद केजरीवाल साहब के घर पहुंच गई है, दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दो राज्यों में आपकी सरकार है। लगता प्रियंका तक आवाज नहीं जा पा रही। विवेक श्रीवास्तव जी, देखिए ये हैरेसमेंट के तहत ही सब हो रहा है। एक तरफ अकाउंट्स को फ्रीज करिए पार्टियों के, जबरदस्ती खुद इलेक्टोरल बॉन्ड 6500 करोड़ के लिए बैठे हैं जी, रूलिंग पार्टी में होकर के एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भेजिए, सीबीआई को भेजिए। क्यों भेज रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या टाइमिंग है, ये क्वेश्चन करने योग्य है। पर हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, हाईकोर्ट ने स्टे दिया है, स्टे दिया है, और ये तो अच्छी बात है। स्टे कहां दिया है? केजरीवाल जी को तो कहां स्टे दिया है? एंटीसिपेटरी बेल भी है उनके पास, एंटीसिपेटरी बेल भी है केजरीवाल जी के पास। लेकिन आप ये बताइए, इलेक्शन का एक माहौल है और इलेक्शन के ठीक कुछ महीनों पहले से कितने अग्रेशन के साथ आम आदमी पार्टी को हैरेस किया जा रहा है, उसके नेताओं को हैरेस किया जा रहा है, पब्लिकली इशू